चले भाई फाइनली गाइस, फाइनली वो घड़ियां आ गई हैं कि जनाब फाइनली लिखने वाली है कि जनाब कौन से मुल्क में जाना चाहते हैं। 5 4 3 2 1 नहीं चल मैं चली भी जाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पर वापस आ चुके हैं और इस बार कोई भी जेरी नहीं है एज पर आर इंफॉर्मेशन। ओवर आज हमसे मिलने नन्ना सा मेहमान आने वाला है जो कि जरनाब से मिलने के लिए कम से कम कोई 20-25 दिन से लगा पड़ा है। आपको बताएंगे वो कौन मेहमान है। सबसे पहले बताएं जिस तारी में खिलाड़ी हुए आज बड़े दिनों बाद आपके हाथ का खाना मिलेगा। हो कर दी ना छोटी बात, दिखा दी ना अपनी औकात। I just came back, okay? I need to rest. I've not cooked today. Today is your freaking test. That show me that you are the best. क्या खाना था? कुछ भी खा लेंगे भाई साहब। और एक और चीज़ गाइस रुको, आज हम जरनाब से पूछेंगे कि इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने कहाँ जाना है। आज जरनाब बताएंगे कि जरनाब ने कहाँ पर जाना है। आपको दिया जाएगा एक मार्कर, इस ब्लू स्पेस में आपने फिल करना है जहाँ भी आपको जाना है। दो जगह लिख सकते हो, आपको वहाँ ले जाया जाएगा। दो जगह लिख सकती हूँ, जितनी जगह मैं जितने मर्जी लिख दूँ। जिंदगी भर इन्होंने लॉटरी से खेला है तो उसमें हमेशा ट्राई अगेन लिखा हुआ है। आज जब पहली बार मिल रही है तो बस फरी हो रही है वहाँ पर। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अभी तक जरनाब ने ना मुझे बताया ना मुझे पता है कि जरनाब के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कल जरनाब बोली थी कि मैं घर जाके आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ जाना है। क्या इफ्तार के बाद खाना खाना है? दो लिख दो। चल बे हम दोनों ही थके हुए हैं। खैर जरनाब अभी रेस्ट कर रही हैं और ये जरनाब के और मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए हैं तो हमने वो खोल के देखे क्या क्या आया हुआ है। और आई एम वेरी एक्साइटेड कौन सी कंट्री चूज़ की है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि हम ये थोड़ी देर बात करेंगे। आज इफ्तार में फाइनली नानी वाले समोसे मिलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा और आज खाएंगे बेगम के हाथ का खाना। गैस जो है भाई वो हमारे यहाँ थोड़ी शॉर्टेज है, इसीलिए अब जब मैं जैसे ही आया हूँ तो ये पता लगा है कि भाई सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई है। अभी फयाज भाई को पकड़ते हैं और गैस भरवा के फटाफट से सिलेंडर को लेके आते हैं। चल यार जल्दी कर, टाइम नहीं है, जल्दी 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 गैस भरवा के लेके आनी, इफ्तारी हो जाएगी। वैसे तो जितनी गर्मी हो रही है ना आज गाड़ी के ऊपर ही जो है ना हांडी रख दो तो बन जाएंगे पकौड़े। गर्मी बहुत हो गई अचानक कराची में भाई। शाबा शाबा लौंडे शाबा। हंसबे मामूल थोड़े से पाई से निकाल लेते हैं। पेटी कैश होना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ऑन एंड ऑफ छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं तो उसके लिए कैश ज़रूरी है, वरना हर वक्त 200-400 के लिए भी ट्रांसफ़र मारना पड़ता है। नहा भी लिया, धो भी लिया और चेंज भी कर लिया और अब जा रहा हूँ मैं। फाइनली मेरे जो हैं वो जुब्बे शलवार कमीज़ बन गए हैं तो वो चल के नाजिब भाई से उठा कर आते हैं। आज हमारे घर में फिर से बनेगा इंशाल्लाह चिकन एंड चिकन टिंडे, क्योंकि वो बहुत ही जरनाब ने टॉप नॉच बनाया था तो हम बोले थे कि आज उसको हम वापस घर में बनाते हैं। आ गए हम उनके पास, यूँ कर रहे हैं, उनको लग रहा है। आप बहुत प्यारे हैं सर। सलाम, रमज़ान मुबारक, कैसे हैं आप? वैसे आपसे रमज़ान मुबारक मैंने कर लिया था बट मेरे कपड़े 10वां रोज़ा अशरा ख़त्म होने वाला है, रेडी रखे हुए, हमने आपका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अकबर यार, ये आदमी कैसा ऐसा सियासी जवाब देता है ना, पॉलिटिक्स में होना चाहिए। एक 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 इंतखाबी निशान पत्ता बनना चाहिए जिस पे जिसके हमारे जो है सरबरा होंगे नाजिब भाई इंशाल्लाह। अभी कपड़े भी आ गए हैं, परफ्यूम्स भी आ गए हैं तो चलते हैं घर और घर चल के फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि क्या बनाया आपके भाई। तो गाइस मैंने आप लोग को बताया था आज हमसे एक छोटा सा मेहमान मिलने आ रहे वाला है तो वो लोग हमारे घर पर आ गए हैं। सोचो कौन होगा वो, और वो है। हेलो कैसे हो, कैसे हो भाई? हाँ भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। आ गया जनाब आपका मेहमान फाइनली। हाँ ऐसे भाग के मुझे मिला मैं सदके जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आ जाओ बैठे बैठे। यश ये बात ये
ये इसमें है अच्छा, पास्ता है, कस्टर्ड है, समोसे हैं, रोल है। हाँ ये देखो फ्रूट्स भी आ गए, ये दही वाले भी हैं, जो तुम्हें खाना है सब मिल जाएगा। खा ले भाई, पहले खा ले, खा ले। अच्छा यार, क्या लाली पिचू भी बैठा है यहाँ पे, गरम लग रहा है यार, गरम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई गरम हवा मार रहा है ड्रायर की कसम से। हाँ ये नहीं करो तक नहीं करो यार, यार क्या है मौके कसम से, कसम से मुझे फील हुआ है प्रॉपर, एक साइड पे गरम हाथ कुछ भी नहीं है पागल, गर्मी है तेरे अंदर। यार इबा मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या था जो आपको हमारी इतनी शिद्दत से आपको हमसे मिलना था? नहीं फिर भी कुछ तो होगा ना, कुछ तो दीपा ने यश को उदे की तरह हरा दिया ना, आप तो मूव ऑन करें। ईबा को जरनाब जितना पढ़ा रही है वो पेपर में उतना ही लिख के आ रहा है। अभी 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 इसके चेहरे पे टेंशन देखना, पहले बटन सोचता है कौन सा दबाऊं, अब टेंशन मार जाएगा। ये नया तरीका है गेम खेलने। अबे बचपन में टोकन भी खेले, बस वही समझ के खेले। तीसरा राउंड हारने वाला हूं मैं। जरनाब और ईबा का मुकाबला, जरनाब के एक बच्चे के साथ खेलते हैं, इतना प्रेशर लेती हूं ताला लगा दे। अबे वो बच्चा अच्छा खेलता है। हां आपको पढ़ रही है मारे चाची के लिए बर्थडे के लिए केक करना, चाची से ज्यादा जो इसको जल्दी मिलती है। Happy birthday to you, happy birthday dear Chachi, happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Yay, happy birthday, birthday. Bhai ka birthday aaj. Ah, birthday. Thank you. Cake looks nice by the way. Three milk. Would you like to taste? अब बेगम के ये नेक्स्ट पीआर पैकेज खत्म हो तो फिर हम जो है ना वो बताएं कि भाई ये मुझे बता, टेंशन लगी है, कहाँ जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा, कब बताएंगे। फाइनली आ गई है वो घड़ी, पढ़ाई नहीं करता था तो अम्मी से पढ़ती थी छड़ी। बेगम ने अपनी अनबॉक्सिंग्स कर दी हैं, आपने भी अगर कोई परचेस करनी तो जाके जरनाब की इंस्टाग्राम स्टोरी अभी के अभी देख लें। सो जरनाब फातमा जी, आपके पास आ गया वाइटो, क्योंकि बजट लो होने की वजह से हमें वाइट मार्कर नहीं मिल रहा था, दुकानें थी बंद। ठीक है, अब वो मौका है आपके पास, सोच विचार करके सारे दिमाग के हॉर्सेस दौड़ा के, कि आप जरनाब लारेब ने इस बर्थडे गिफ्ट में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें किस मुल्क का नाम लिखना है। प्रेशर। किस मुल्क के नाम लिखने हैं, जितनी जगह मैं जितने लिख पाऊंगी आई विल राइट। इफ यू विल राइट आफ्टर आई स्विच ऑफ द कैमरा वी फाइट। ऑलराइट, आर यू ऑन डाइट? नो आई एम नॉट। Please bring that board to me. The board will be there, जहाँ पर मैंने उसको रखा है। क्या तुमने अपने ही हाथ का खाना आज चखा है? बहुत अच्छा खाना बना दिया मैंने, guys। मैं इतनी अच्छी शेफ थी, मैं कहाँ थी मैं? आपको ये पूरी फॉर्मेलिटी करने के लिए और अपना गिफ्ट जो कि आप लिखने वाली है मगर फट मेरी रही है, आप प्यारे आ रहे। मेरी आंखों में दिख रहा होगा डर। आपकी आंखों में डर नहीं, आपकी जेब ऐसे से करी है। तो ये रहा भाई वो, पैक योर बैग्स, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू। खाली जगह पूर करें, मियां को तंग ना करें, अल्लाह से भी डरें। मैंने आपके लिए पूरी की पूरी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपने दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना है, यू नेम इट एंड आई विल टेक यू ओवर देयर। ओह माय गॉड, आ जा भाई गुल, क्योंकि हमारी जारेब फैम को, लारेब फैम को कब से इंतजार था कि जरनाब फातमा अपनी बर्थडे का गिफ्ट का जो वाउचर है उसमें किस मुल्क के ट्रिप पर जाना चाहेंगी। क्या आप शहरी में खाना खाएंगी?
खाऊंगी। और तो गाइस फाइनली ऐसे मारकर हिलाते वाली जैसे गाय काटने जा रही बकरे की। भाई साहब गाइस अर्नाब फातिमा तो बैठ गई हैं। इतनी आसानी से क्यों लिख रही हैं, थोड़ी टेंशन बिल्ड करें। ये देखा अभी से लड़खड़ा रही है, इसका मतलब है अर्नाब चाह रही है कि घुमा दूं हैदराबाद ले चलूं, हैदराबाद का तेरे को बॉम्बे बेकरी का केक खिलाऊं। सही है अर्नाब, वैसे अच्छा मेरी बात सुने, आपने जहन में ऑप्शन कितने रखे थे पहले? अच्छा मतलब पहले तो आप नींद में थी, सही है, पहले हम थोड़ी सी वार्तालाप कर रहे थे, इतनी आप नींद में थी, दूसरे दिन आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद जब आपने घर चले गए थोड़ा होश में आपको लगा होगा कि भाई तो वाकई बड़ा काम का वाउचर है, आप मुझे समझ में ही नहीं आया था, आपने ऐसे ही कहा था। तो आपने कितने कंट्रीज से ऑप्शन पहले माइंड में रखे, फिर कितनी पर्चियां निकाली, फिर क्या सोचा? मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अर्नाब मुझे दुनिया के 100 एंड पता नहीं कितने मुल्कों की रील्स भेजती है। हाँ अर्नाब ये तो मतलब आपका मसला, अर्नाब को आउटिंग से मौत पड़ती है बहुत, अर्नाब बोलती है आई लाइक टू स्टे एट होम। मैं चाहती हूँ मैं जाऊँ, मतलब मैं घर बैठी हूँ लेकिन मैं हर जगह घूम के आ जाऊँ, लेकिन मुझे जाना ना पड़े। हाउ इज दिस पॉसिबल, प्लीज गूगल। हे गूगल, अबे यूट्यूब पे वीडियो देख लो, सब पूरा दुनिया दिख जाएगी। ये गूगल ने तो गूगल को छेड़े नहीं, आपकी आवाज सुनता, वो मेरी सुनता सिर्फ। अच्छा अगर सुन ली। हे गूगल, असल में अभी हमने hey, नहीं चलेगा, मैंने टीवी रीसेट किया है तो हमने वापस बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गया सब कुछ, तो वापस सब सेट करना पड़ेगा। चले भाई फाइनली गाइस, फाइनली वो घड़ियां आ गई हैं कि अर्नाब फाइनली लिखने वाली है कि अर्नाब कौन से मुल्क में जाना चाहती है। वाइटो है, दबा के लिखिएगा, दबा के लिखने, इसलिए इतना उसको ऐसे से करें, रुक जाए। आप ना देखिए, मैं तो अपना हाथ कांप रहा है। आप छोड़ेंगे तो पता लगेगा ना अर्नाब। आप बाद में आंखें बंद करें। चले मेरी आंखें, गाइस मेरी आंखें बंद है, कितने तक गिनूं? अभी नहीं, टू लाली अभी नहीं, 10 तक गिनूंगा। 1, 2, 3, 4, प्रेशर दे दिया, लिखा नहीं जा रहा। अच्छा आराम से लिख लें गाइस, चलो जनाब लिख रही है, शहरी में बता दूंगा आपको, सही गाइस आपको शहरी में बता दूंगा, ठीक है। अभी मुझे मैच भी खेलने जाना है, मुझे मैच भी खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आपने मैच खेलने जाना है। गाइस आप लोगों को लगता है अर्नाब कहाँ जाना चाहेंगी? और आप लोग बताएं कि अगर आप लोगों के पास ये गिफ्ट होता और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो आप कहाँ किस मुल्क में जाना चाहती? 5, 4, बहुत सही लग रही है, नहीं नहीं सही लग रही है, बोलो कसम से। अब ये करेंगे तो क्या होगा? 5, 4, 3 आप अपने मुंह की तरफ करें ना, 2 माशाल्लाह भाई अर्नाब को तो उम्रे पे जाना है। अरे माशाल्लाह भाई अर्नाब को तो उम्रे पे जाना है, वाओ। सो भाई इंशाल्लाह 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 आफ्टर ईद अर्नाब और मैं जाएंगे मेरे दूसरे उमरा के लिए और अर्नाब के पहले उमरे के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गाइस तो अर्नाब ने चूज किया है जो मुल्क, उसका नाम है सऊदी अरेबिया। अब अरेबिया मैंने इसलिए लिखा, बहुत बड़ा था, कैसे लिखा? अब मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप दो उंगलियों में से उंगली चूज करें, दो उंगलियों में से एक उंगली। भूखी जितनी स्पेस है यहाँ पर आप एक और मुल्क में चलें। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं, बट उम्रे में पहले जाएंगे। दिस इज योर गिफ्ट, आगे वाला कहीं का भी गिफ्ट, बट वेन एवर आई टेक यू आफ्टर उम्र आई टेक यू देर, जो भी मुल्क आप लिखेंगी, बहुत सारे मुल्क है अर्नाब, शेज वाला भी है, इथोपिया, हाँ इथोपिया, युगांडा। मेरी बात सुन, नहीं मतलब अभी उम्र पे जाएंगे, फिर वापस पंजाब, वो पंजाब वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर वहीं से वहां जाएंगे। ये तो मेरी जेब बताई। मुझे इतना मुल्क ही नहीं पता ना। आपके पास चांस है, मैं एक फेरा मार के आ रहा हूँ घर का,
और आपने मुल्क का नाम लिखना है कि आपका दिल कहाँ जाने का था कि यार मैं यहाँ जाऊँ। आपने इतनी बाबरकत चीज़ चूज़ की है, मुझे उम्मीद भी तकरीबन ऐसी थी कि जरनाब ने उमरा ही लिखना होगा, क्योंकि हर इंसान की मुझ समेत हर इंसान की ख्वाहिश होती है। कितने टेक्निकली मैं सच सच बताऊँ, आज आप लोगों को मैं बताता हूँ, मगर पहले बताता हूँ कि जरनाब कौन सा दूसरा मुल्क सेलेक्ट करेगी। जरनाब ऐसा मियाँ कहीं मिलेगा सब दूसरा मुल्क बता दिया मैंने। कहने क्या करूँ इसका यार, क्या करूँ जरनाब का, जरनाब मुझे मुल्क ही नहीं पता दुनिया में, जो पता है वो अलग है। मौला मौला चटोक चल रहे थे है? हाँ कहाँ? मौला चटोक। मौला चटोक बलोचिस्तान। बलोचिस्तान बलोचिस्तान मुल्क नहीं है, सूबा है। चले अब आप लिखा जो दिल आप लिखे गूगल कर लें जहाँ आपको जाना चाहिए। लाली तो पोस्ट आ गया, मुझे एक ही नाम आ गया वो लिख। आपने जो भी नाम लिखा लिख लिया, मैं फेरा मार के आ रहा हूँ। चलो मैं सब चलो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं वहां से आ जाऊंगा और वो वाउचर कैंसिल। मैं नहीं हेल्प कर, आपका गिफ्ट है। सो गाइज जरनाब लिखने वाली है दूसरे मुल्क का नाम। यार देखो मैं तो एक गिफ्ट दे रहा था, मैंने दो वाउचर दे दी जरनाब को, एक में दो बाय वन गेट वन फ्री, तो कोई ब्रांड भी नहीं देता मैंने दे दिया यार। गूगल से पूछ रही है भाई। गाइस मैं इस कोने पे खड़ा हूँ करके, उस कोने पे सर्च कर लिया। वुड यू लाइक टू गो टू सैंटोरिनी? कुछ है क्या ये? गूगल तो बोल रहा है। वुड यू लाइक टू गो टू अमल्फी? अबे बात सुनो, है ये कौन सी बीमारियों के नाम पड़ रही भाई? टाहिटी, ब्रूट, क्रोशिया, ग्रीस, मेड इन पाकिस्तान। आपको जहाँ जाना आप लिखा, ये मेरे सामने लिखेगा। जरनाब ने जाना है दूसरी जगह और वो है टर्की। तो आप गए? मैं तो 11 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, 12वें की ख्वाब में लगी टर्की। आपने जो लिखना लिखा है गाइस, 5 बहुत से कैंसिल होने में से 4 लिखे, 4 मेरे दिल तो पता नहीं क्या क्या चाह रहा है। बस तो लिख लें, मुझे अभी समझ नहीं आ रही। आप तो बस जनाब का वाउचर यहाँ पर होता है एक्सपायर होने में से 5 4 3 2 1। यार मैं दो में कंफ्यूज हूँ। चले मैं अब इतना खर्चा नहीं। चले दोनों लिख दें आप। नहीं दोनों लिख दें, जो अच्छा होगा मैं वहां चले चलूंगा। है फिर मैं पहले पहले अल्फाबेट्स लिख देते हैं। चले सही, एक तो आपको पता है बाली। अरे मैं अभी कान की बाली लाके देता हूँ, हो गया घूम कर आगे। चलो और बोल दूसरा, कहीं तो फ्री होते जा रही भाई। नहीं इनमें से हम चूज करेंगे, हम जोन सा हम हमारे लिए इजी होगा। सही सही है। हाँ दूसरा कौन सा? बुझे श्रीलंका। अबे नहीं फिर बुझे नहीं समझ में आ रहा, बताए ना। नहीं पता मुझे। सीव्यू सीव्यू मुल्क है बाबा, इतना कॉमन मतलब कम ऑन। स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तो मुझे ही नहीं पता था। अब मैं एक अगला वर्ड लिखूंगी आप फौरन बताएं। बताए ना। स्विट्जरलैंड। भाई ये तो फ्री हो गई है। भावनाओं में बह गई है, उसको आधा ही रहने दे। मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे। मैं आपको रोज बाली की वीडियोस भी भेजती हूँ ना, वहाँ पे बहुत अच्छा एक होटल है, मुझे वहाँ जाना है। So guys, ठीक है भाई। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत। लाली के लग गए लहसुन के तड़के, अकल पे ताले, हमारे लोगों को पसंद है खबरें। तो भाई मेरी बात सुनो, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, मगर आपका पहली प्रायोरिटी का जो गिफ्ट था, सेकंड तो वो ऑप्शनल है, ठीक है? सेकंड इज वेरी ऑप्शनल, मगर जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपने पहला नाम लिखा आपने वही लिखा था।
तो गाइज मैं आपको एक बात बताता हूँ, हुआ ये था, शादी के फौरन बाद ही हम उमरे पे जा रहे थे। जरनाब को उस वक्त भी कुछ नहीं बताता, मैं जरनाब को कुछ नहीं बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है आई ट्राई टू गिव एज मैनी सरप्राइजेज एज आई कैन ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, छोटी छोटी चीजें करके, तो मेरी कोशिश होती है मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है। पहले किसकी शादी आई थी, सबसे पहले शहीर की शादी जब आई थी, अनाउंस हुई थी, तो शहीर को और अफसा को मैंने जाके ये पर्चा दिखाया था कि मेरी पूरी आइटिनरी बनी हुई और मैं जा रहा था मगर मैं तुम्हारे लिए रुक गया, शायद बुलावा भी था और भाई बच्चे हैं मेरे तो उनके लिए मैं रुक गया। उसके बाद फिर शादी आ गई लखानी की, उसके बाद फिर शादी आ गई जन्नत की बहन की, उसके बाद फिर शादी आ गई अली भाई की, तो इसीलिए हम नहीं जा सके और तरतीब नहीं बन सकी। तो इसीलिए अब इंशाल्लाह ताला हम ईद के बाद जाएंगे सऊदीया। मुबारक हो, इंशाल्लाह आमीन। सो आर यू हैप्पी दैट आई गेव यू द बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन? अब थोड़े दिन में करते हैं सऊदीया जाने की तैयारी इंशाल्लाह शुरू। वो मुझे तो अब आया लेने पड़ेंगे पेज, अभी ढूंढते। चलो भाई गाइस, यहाँ पे जनाब का जो है ना सीन कट होता है, चले निकलो। चलो गाइस चलते हैं मैच खेलने के लिए, आज का मैच हमारी सीरीज है, और फिर खाना खाते हैं, मैच देखते हैं, खेलते हैं, और फिर वापस करते हैं। गाइस माशाल्लाह जनाब के यहाँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और ये भी बताया कि आप टिंडे नहीं खाते थे? टिंडे मैं तो शौक से नहीं खाता, मतलब वेरी रेयर, बट अभी मैं शौक से खा रहा हूँ। आज तो लारिब ने खुद बोला कि मैं टिंडे ला के दूँ, बनाएंगी? वेरी गुड। ये मेरे मियाँ ने पीछे से पंखा चला दिया था और सारे इसमें अटक गए, कुछ मैंने बाहर दूसरे रूम में कर दिया और बाकी अभी यहाँ से निकाल रहे हैं। और निकाल कैसे रहे हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये सीढ़ी जब मम्मी से लेकर आए थे, इस सीढ़ी की मदद से बाकी सारे मैंने वो कर दिए, दिख रहे हैं। अभी सुबह उठा हूँ, क्रिकेट नहीं हो सकी गाइस, सच बेगम ने जाने नहीं दिया और न जा पाया, तो मेरी आँख लग गई थी, कुछ करने को नहीं था। और अभी अभी जो है वो सहरी मिली है, सहरी कर रहे हैं।